नमस्कार, मैं हूँ ज्योति विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। महगाम विधानसभा तहसील गोरमी के ग्रामवासी आज भी मुक्तिधाम अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम रावपुरा में 25 सालों से परेशानी को झेल रहे ग्रामवासी जब भी इस गांव के अंदर वोटर से लेकर आम लोगों की संख्या 4000 से अधिक है, लेकिन जब किसी परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाती है ऐसे में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना सबसे बड़ा सवाल पैदा कर देता है। ग्राम के लोगों का कहना है कि गांव में जिसके पास जमीन है वह तो अपने खेत या निजी भूमि पर अंतिम संस्कार कर लेते हैं, जिसके पास जमीन नहीं ऐसे लोग अपने घर के दरवाजे पर अंतिम संस्कार कर परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत में मुक्ति धाम के लिए 3 सेट हैंड पंप सड़क निर्माण के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी काफ़ी गांव ऐसे हैं जिन गांव में मुक्ति धाम के लिए जगह नहीं है और लाखों का खर्चा कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका उदाहरण गांव रावपुरा है, जहां लोगों को मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार घरों के बाहर सड़कों पर रखकर लोग करते चले आ रहे हैं। सरपंच, सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सभी जगह ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ब्यूरो इमरान अली खान। नाम है दादा आपका? मेरा नाम केशव है। केशव जी, आपके इस गांव में कई परिवार हैं यहां, लेकिन किसी को भी यहां अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं है, मुक्ति धाम नहीं है। यह मुक्ति धाम है, एक तो अतरनेक जी हैं, इनको है बगलिया लोगों ने को और मुझे कदम जी से ना अच्छा, मतलब पूरे गांव के जो मुक्ति धाम है सब लोग अपने अपने अंतिम संस्कार कहां करते हैं? अपन अपने खेतर पे अपन अपने कितम अपन तहाँ जगह है तहाँ मेन, एक स्थायी जगह शासन की नहीं है ना, किसी भी इस मोजे में नहीं है, रावपुरा के मोजे में नहीं है, रावपुरा मोजे में अरे।